भगवान का दिया जला दिया। अरे अम्मा आप तो जानती हैं मैं तो सुबह 5 बजे ही उठती हूँ, कब की पूजा कर चुकी हूँ। अरे माँ जी घर का सारा काम कब का हो गया है, अब तो बस सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ, इस कलयुग में मुझे सीता जैसी बहुएं मिली हैं। वरना एक्सीडेंट होने के बाद जब मेरी आंखें चली गई तो मैंने सोचा मेरा तो घर ही बर्बाद हो जाएगा। अरे अम्मा हमारे होते हुए आप ऐसा क्यों सोचती हैं? माँ जी क्या करो बहू, तुम्हारे ससुर जी तो है नहीं और तुम्हारे पति दुबई में नौकरी करते हैं। तुम चारों जवान हो, अकेली हो पर कभी शिकायत नहीं करती। अरे अम्मा पूजा पाठ से फुर्सत मिले तब ना शिकायत करें। अच्छा बताओ तुम लोगों के पास पहनने के लिए बढ़िया साड़ी तो है, वो नीरज की माँ के घर पार्टी है ना? अरे हाँ माँ बिल्कुल चिंता मत करिए, हमने तो पुरानी साड़ियों को धुलवा कर रख लिया था। अम्मा पार्टी में तो बहुत लोग होंगे, आप परेशान हो जाएंगी, आप घर में रहिए हम खाना पैक करा कर ले आते हैं। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा, तुम चारों हो आप। नीता की चारों बहुएं उसके अंधेपन का फायदा उठाकर जींस टॉप फ्रॉक स्कर्ट पहनकर नाइट शो में पिक्चर देखने चली जाती हैं और 12 बजे लौट कर आती हैं। अरे बहू आने में बड़ी देर कर दी, भूख के मारे जान ही निकली जा रही है। नीरज की माँ ने खाना तो पैक कर दिया होगा। कहाँ माँ जी, वो इतनी कंजूस है, इतना कहने पर भी खाना पैक नहीं किया। आप चिंता मत करिए मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं नहीं बेटा इतनी रात में क्या बनाओगी, मुझे तो बस एक गिलास दूध दे दो। दूध तो खत्म हो गया अम्मा। अच्छा तो फिर नींबू पानी बना दे, पेट में भूख के मारे दर्द हो रहा है। माँ जी घर में नींबू भी नहीं है। तो फिर एक गिलास पानी दे दे बहू। सुधा मुस्कुराती हुई उसे पानी देती है और सब अपने अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाते हैं। तभी दीवार पर किसी के सीटी बजने की आवाज आती है, तभी हंसने लगती है। राधा आ गया तेरा मजनू। अरे अभी आपके दीवाने भी आते होंगे। कविता धीरे से उठकर बाहर चली जाती है। अरे बहू ये रोज इसी समय सीटी की आवाज आती है पीछे की दीवार से। अरे कुछ नहीं माँ जी उधर एक बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। अच्छा सो जाओ, तुम चारू की चिंता लगी रहती है। हे राम मैंने केप आप किया था जो मुझे कोई नहीं मिला, कल सब्जी वाला मुझे देखकर हंस रहा था। कल बड़ी गली का ब्लाउज पहनकर सब्जी लेने जाऊंगी, वो ना नहीं कर पाएगा। अरे हाँ रे दूध वाले के सामने मैं फिसली, उसने मुझे बचा लिया, बस उसके बाद बन गया मेरा दीवाना। अगले दिन सुबह फोन की घंटी बजती है। अरे बहू सूरज सर पर चढ़ाया, कोई आवाज नहीं आ रही, कहाँ हो? सभी छोटे छोटे कपड़े पहनकर सो रहे थे। नीता की आवाज से आंख खुली। नहा रहे थे माँ जी, अभी सुबह के 5 बजे हैं, आप सो जाओ। अरे देख कब से फोन की घंटी बज रही है। राधा मुंह बनाते हुए उठती है और फोन नीता को दे देती है। हेलो हाँ बेटा कैसा है? अरे वो तुम लोग आ रहे हो, कल पहुँच जाओगे? बहुत अच्छा जल्दी आ जाओ। हाँ बहुएं ठीक है। नीता की बात सुनकर चारों बहुओं के पैरों के नीचे से धरती खिसक जाती है। सब अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को फोन करने लगती हैं। हेलो डार्लिंग सीताराम इस बार दूध के लिए आना तो चुपचाप चले जाना, कल मेरे पति आ जाएंगे। अरे दीदी उस ड्राइवर का फोन ही नहीं लग रहा है। तू जान तेरा काम जाने, उन सब के पति आ जाते हैं। अरे माँ पूजा में इतना कूड़ा करकट, घर में दिया नहीं जलाती क्या? चारों तरफ गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, लगता है कितने दिनों से घर में झाड़ू नहीं लगी। अरे ये तुम क्या कह रहे हो, मेरी बहुएं तो सुबह 5 बजे उठकर ही मंदिर का दिया जला देती हैं, फिर घर के कामों में लग जाती हैं। ठीक है माँ अगर तुम कहती हो तो यही सच होगा, पर घर देखकर तो लगता है सालों से सफाई नहीं हुई। बहुओं ने जल्दी जल्दी खाना बनाया, सब कुछ ठीक से चलता है, लेकिन रात के 11 बजे दीवार के पीछे से सीटी की आवाज़ आने लगती है। अरे ये सीटी की आवाज़ कैसे आ रही है और तू क्यों डर रही है, क्या बात है? नहीं जी ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, वो तो मुझे इस आवाज़ से डर लग रहा था, कहीं कोई भूत चुड़ैल ना हो इसलिए डर गई। चारों भाई डंडा लेकर बाहर निकलते हैं और सीटी बजाने वाले ड्राइवर को पकड़ कर पीटते हैं। अरे भैया काहे हमको इतना मार रहे हैं, हम तो राधा भाभी के बुलाने पर ही आए थे। अच्छा तो ये बात है अभी ठीक करता हूँ। राधा का पति घर आकर राधा को एक डंडा मारता है। अरे केवल हम ही पिटाई खाएंगे, सुधा भाभी का दूध वाला कविता भाभी का फूल वाला भी तो है, उनकी भी तो खबर लीजिए। अरे भैया अपनी चोरी पकड़ी गई तो हम पर दोष लगा रही है, हम तो घर के बाहर निकलते नहीं है, चाहे अनीता से पूछ लो। हाँ भैया हम तीनों तो अम्मा जी की सेवा में ही रहते थे, आप अम्मा जी से ही पूछ लो। हाँ रे ये सब मेरे आस पास ही रहते हैं, बेकार में शक मत कर। तभी कबाड़ी वाला आता है और कहता है अरे अनीता भाभी जाओ जल्दी से शराब की सारी बोतलें दे दो वरना कोई देख लेगा। शराब की बोतल तो इसका मतलब तुम लोग शराब भी पीते हो? अरे इतने सारे छोटे छोटे कपड़े किसके, अब समझ में आया माँ के अंधेपन का फायदा उठाकर तुम लोग किस तरह से निर्लज्जता कर रही हो। अभी ये सब हो ही रहा था कि नीरज की माँ आती है और नीता से कहती है ये क्या दीदी तू शादी में नहीं आई ना ही बहुओं को भेजा, मैं तुम्हारा इंतजार ही करती रही। अरे रहने दे मेरी चारों बहुएं गई थी उस दिन तो मुझे भूखा ही सोना पड़ा, तूने मेरे लिए खाना भी नहीं भेजा। हाय दैया मैं क्यों झूठ बोलूंगी, तू नहीं आई तो तेरी खबर लेने आई थी, राम जाने तेरी बहुएं कहां गई थी और कहां से लौट कर आई, मेरे घर तो ना आई कोई। चाची तुम जाओ हमें सब समझ में आ गया, माँ के अंधेपन का फायदा उठाकर यहाँ पर क्या खेल खेला जा रहा है, हम तुम्हें एक भी दिन साथ रखने को तैयार नहीं है, तुम सब अपने मायके लौट जाओ। चारों बहुएं अपनी सास का पैर पकड़ लेती हैं और उनसे माफी मांगते हुए कहती हैं सासू माँ हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई और अब हमें इसका फल भी मिल गया, उसकी सजा भी मिल गई, हमें माफ कर दीजिए आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो, याद रखना इस बार गलती हुई तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। उस दिन के बाद से अंधी नीता के घर सब कुछ ठीक हो गया, सुबह की पूजा से लेकर रात के खाने तक बहुएं अपनी जिम्मेदारी समझ कर अपने काम करने